सबसे पहले आप सभी छात्रों को जय हिंद। आज का हमारा जो टॉपिक है क्या है, भारत के प्रमुख दर्रे। उत्तर प्रदेश पुलिस और यूपी ट्रिपल एससी पेपर को मद्देनजर रखते हुए ये आपका आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है भारत के प्रमुख दर्रे। देखिए, भूगोल का ये पार्ट है भारत के प्रमुख दर्रे और जनरली आपके एग्जाम में आ जाया करते हैं, गिने चुने दर्रे हैं। और अगर आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, बार बार रिवीजन कर लेंगे, तो ये मान के चलिए कि आप इसमें अच्छे कर सकते हैं। एक या दो दर्रा एग्जाम में आ ही जाता है, क्लियर है। और देखिए, आजकल ट्रेंड बन गया है। अभी तक क्या था कि उत्तर भारत के दर्रे पूछे जाया करते थे, लेकिन अब क्या है, अधिकतर दक्षिण भारत के दर्रे पूछे जा रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आदमी सिर्फ उत्तर भारत के ही याद रखता है, दक्षिण भारत के, तो आपको दक्षिण भारत के भी दर्रे याद रखते हैं, ठीक है। सबसे पहला आज का हमारा क्वेश्चन ये है कि भैया दर्रे बोलते किसे, दर्रा क्या होता है, किसे बोलते हैं दर्रा। तो मैं आपको बता दूं, दर्रा दो पहाड़ों के बीच की जगह जिससे आवागमन होता है एक जगह से दूसरी जगह। ध्यान दीजिएगा, एक जगह से दूसरी जगह आवागमन होता है, परिवहन होता है, और यह रास्ता प्राकृतिक होता है। यह रास्ता क्या होता है? प्राकृतिक, मतलब प्रकृति द्वारा पहाड़ों के बीच की जगह में आने जाने का जो रास्ता बना है, आवागमन का जो रास्ता बना है, उसी को क्या बोलते हैं? दर्रा बोलते हैं। जैसे आप ये यहां फोटो में देख रहे होंगे, आप देख रहे होंगे कि भाई यहां भी देखिए पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है और इधर ऐसे देखिए रास्ता गया हुआ है, तो इसको हम दर्रा बोलेंगे। इधर आप देखेंगे तो पहाड़ों में से ही ये विसर्पनुमा जो है रास्ते बने हुए हैं, पहाड़ों को कट करके बने हुए हैं, तो इसको भी हम दर्रा कहेंगे। इस वाले इमेज में अगर आप देखेंगे, देखिए ये यहाँ पर एक बड़ा सा पहाड़ है, इस साइड भी पहाड़ है और इसके बीच में ये जाने का मार्ग है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? दर्रा। ये सभी दर्रे प्राकृतिक रूप से बने, लेकिन जब भारत सरकार ने इसकी पहचान कर ली कि भाई ये रास्ता बनाया जा सकता है और यहां से आया जा सकता है, आवागमन किया जा सकता है, तो क्या हुआ, सरकार ने वहां पर रोड बना दी। अब रोड बना दी तो आवागमन और ज्यादा आसान हो गया। जहां जहां पर्वत श्रृंखलाएं होंगी, पठार होंगे, पर्वत होंगे, वहां वहां आपको दर्रा देखने को मिलेगा। और दर्रा आजकल कृत्रिम रूप से भी बनाया जा रहा है, दर्रे आजकल कृत्रिम रूप से यानी मानवीकृत भी बनाया जा रहा है। लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि ये जो दर्रे हैं, ये दर्रे प्राकृतिक रूप से बनाए जाया करते थे। जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ है और भू विवर्तन की हलचलों के कारण वो पहाड़ में दर्रा हो गया, एक दरार पड़ गई, और दरार पड़ने की वजह से वो दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? दूर हो गए। और दोनों एक दूसरे से दूर हो गए तो बीच में क्या हो गई? जगह हो गई। और उसी जगह को हमने क्या बोल दिया? दर्रा। भूस्खलन से दर्रा बन गया, भूकंप से दर्रा बन गया, ज्वालामुखी से दर्रा बन गया, पहाड़ अगर कोई कट गया तो उससे दर्रा बन गया। तो दर्रे बनने के बहुत सारे कारण हैं, अत्यधिक कारण इसके प्राकृतिक। और भारत में अत्यधिक ज्यादा से ज्यादा दर्रे आपको उत्तर भारत के हिमालय प्रदेश में देखने को मिलेंगे। हिमालय प्रदेश का मतलब जहां पर हिमालय पर्वत श्रृंखला है, वहां पर कई दर्रे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। आए समझ में? चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए गौतम बुद्ध का कितना बढ़िया कोट है, और मुझे लगता है कि अगर इन बातों को आप अपने जीवन में लेके आएंगे तो निश्चित सफलता पाएंगे। क्या बोला है? स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ा धन है, और वफादारी सबसे बड़ी संपत्ति। अगर आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तो जब आपका स्वास्थ्य सही होगा तो आपका मस्तिष्क सही होगा, और मस्तिष्क अगर आपका सही होगा तो आपके मस्तिष्क में उत्तम विचार आएंगे जो आपको सक्सेस की ओर ले जाएंगे। संतोष सबसे बड़ा धन होता है, मतलब आपके अंदर सब्र होना चाहिए, आपके अंदर संतुष्टि होना चाहिए। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक लंबे समय का इंतजार करने का साहस होना चाहिए,
क्योंकि देखिए जब वैकेंसी आती है पेपर देना होता है, पेपर का रिजल्ट निकलता है, ऑब्जेक्शन होते हैं और उसके बाद दूसरा चरण होता है, फिर जाके लास्ट मेरिट लिस्ट बनती है, उसमें आपका चयन होता है, तब जाके आप ट्रेनिंग में पहुंचते हैं। तो इतना आपके लिए संतोष होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, ठीक है, सब्र होना चाहिए, वफादारी सबसे बड़ा सबक। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो बड़ी शिद्दत से कीजिए, वफादारी से कीजिए, हर सब्जेक्ट को बढ़िया तरीके से पढ़िए, रेगुलरिटी बरतिए, और जब आपके जीवन में सब चीजें रहेंगी तो सफलता निश्चित है। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि दर्रा क्या होता है, दो पहाड़ों के बीच की जगह, दो पर्वत चोटियों के बीच की जगह, जहां जो जगह आवागमन के लिए इस्तेमाल होती है। हो सकता है ये जगह भूवर्तनिकी खिसकाव की वजह से हुआ हो सकता है ये जो जगह बनी है ये नदियों के कटाव के द्वारा बनी हो सकता है कि प्राकृतिक कोई और हलचल हुई हो जिसके कारण ये बन गई। क्लियर है? अब जैसे देखिए, ये यहाँ पे पहाड़ है और यहाँ पर भी पहाड़ है, और इन्हीं पहाड़ों से ये जो है रास्ता बना हुआ है, इन्हीं रास्ते को हम क्या बोलेंगे, दर्रा बोलेंगे। इस प्रकार से देखने को मिलता है दर्रा, ऊंचे ऊंचे पहाड़ होते हैं और बीच से रास्ता होता है। और आज तो इतनी ज्यादा आधुनिक मशीनें हैं कि पहाड़ों को काटने से ही क्या बन जाता है, रास्ता बन जाता है, ऊंचाई चढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बीच में से पहाड़ में से कई चौड़ा रास्ता बना दिया और इसी में आवागमन होता है और जम्मू कश्मीर लद्दाख काराकोरम जैसे क्षेत्र में जाना संभव होता है। क्लियर है? डेफिनेशन कहती है हमारी, पर्वत श्रेणियों के बीच में प्राकृतिक रूप से बने हुए मार्ग को सामान्यतः क्या कहते हैं, दर्रा कहते हैं, और इनका उपयोग किसके लिए, परिवहन, व्यापार और युद्ध के समय आदि में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो दर्रे होते हैं, दर्रों का इस्तेमाल किया जाता है व्यापार के लिए, भाई यहाँ का व्यापार वहां ले जा रहे हो, परिवहन के लिए, या फिर कभी जरूरत पड़ी तो पहाड़ चढ़ने की जरूरत नहीं है, युद्ध कहां से हो जाएगा, यहीं से हो जाएगा। क्लियर है? वैसे आजकल युद्ध की स्थिति नहीं बनती है, पर हाँ व्यापार की स्थिति जरूर बनती है, परिवहन की स्थिति जरूर बनती है। हमारी भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, जब हमारी इंडियन आर्मी भारतीय सेना जाती है जम्मू कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र में, तो कुछ ऐसे ही रास्ते होते हैं, कुछ ऐसे ही रास्ते होते हैं जहां से हमारी पूरी भारतीय सेना की जो कार्रवाई है वो निकलती है, इन्हीं को दर्रा बोला जाता है। और जब आप यहाँ पर ट्रेवल कर रहे होंगे तो आप बस में बैठे होंगे और नीचे देखेंगे बहुत लंबी खाई होती है, तो इतना आसान नहीं होता है यहाँ पर ड्यूटी करना, यहाँ पर जाना। चलिए, आप लोगों ने देख लिया कि दर्रा क्या होता है। अब दर्रे में इतना ज्यादा विशेष कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, उत्तर प्रदेश पुलिस लेवल में इतना कोई हार्ड नहीं पूछा जाता है, SSC लेवल में इतना कोई हार्ड नहीं पूछा जाता है, कुछ कुछ मैप बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, नदियां बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो वो सब आपको यहाँ पर हम बताएंगे। ये सबसे पहले हमारा टॉपिक जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रे, कहाँ की बात कर रहे हैं भाई हम, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन कभी भी हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 2019 में संपूर्ण जम्मू कश्मीर राज्य को, 2019 में संपूर्ण जम्मू कश्मीर राज्य को धारा 370 हटाकर, ध्यान दीजिएगा, धारा 370 हटाकर इसी जम्मू कश्मीर से एक UT यानी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर निकाला गया, और एक क्या निकाला गया मुझे बताइए, लद्दाख निकाला गया। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है भाई, श्रीनगर है, और इसकी राजधानी क्या है, लेह, ठीक है, आया समझ में? तो इसीलिए अब इन दोनों का अलग अलग भूगोल हमें पढ़ना पड़ता है। पहले हमारे जितने भी दर्रे पर्वत श्रृंखला थी वो मात्र जम्मू कश्मीर के अंदर आती थी, लेकिन अब क्या है, अब वो जम्मू कश्मीर के अंदर तो आती है प्लस कुछ हिस्सा इसमें लद्दाख में भी आता है। क्लियर है? चलिए, तो जम्मू कश्मीर में स्थित प्रमुख दर्रे जैसे बुर्जिल दर्रा, पीर पांचाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और काराकोरम दर्रा, इससे पहले हम पर्वत श्रृंखला बता चुके हैं। अब काराकोरम पर्वत श्रृंखला ये कौन से केंद्र शासित प्रदेश में आती है, लद्दाख। तो सीधी सी बात है, काराकोरम दर्रा कहां पे होगा, लद्दाख। देखिए यहां पे स्पष्ट रूप से लिखा है कि अभी लद्दाख में स्थित है, जो काराकोरम दर्रा है अभी कहां पे स्थित है, लद्दाख में स्थित है, और ये जो दर्रा है वो सबसे ऊंचाई वाला दर्रा है। लद्दाख में जो दर्रे हैं, लद्दाख में जो पठार है, लद्दाख में जो झील है, वह भारत की सबसे ऊंचाई वाली झील है या दर्रे हैं या पहाड़ है या पर्वत। क्लियर है? आए समझ में? देखिए, तो हमारे जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हुए, बुर्जिल दर्रा, पीर पांचाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और काराकोरम दर्रा, और एक लास्ट क्या, चोजी दर्रा। पर इतने में ही हम इसको खत्म नहीं कर देंगे, अभी इसके बारे में और डिटेल से भी पढ़ेंगे।
मैप भी देखेंगे कि कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में कहां स्थित है और किसको जोड़ता है, क्लियर है। लेकिन यहां पर आप लोग फिर से एक बार नजर मारिए क्या बोल रहा है, जरा देखिए, बुर्जिल दर्रा, पीर पांचाल दर्रा, पनिहाल दर्रा, काराकोरम दर्रा और कौन सा दर्रा, जोजीरा दर्रा, ये सब कहां पे स्थित है, जम्मू कश्मीर। जबकि काराकोरम हमारा कहां पे आ गया है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, क्लियर है, आया समझ में, काराकोरम दर्रा। और ये वही काराकोरम दर्रा है जो भारत को तिब्बत से जोड़ता है और भारत को चाइना से जोड़ता है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले मैप देखते हैं, सबसे पहले मैप देखिए, ये हमारे भारत का उत्तर का क्षेत्र है, ये हमारे भारत का क्या है, उत्तर का क्षेत्र है, और जो हमने दिखाए थे उससे ज्यादा ही आप लोगों को दर्रे बताएंगे। देखिए हमारे हमारा जो भारत है, जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर राज्य दो केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ गया, ये लाइन से इधर क्या हो गया जम्मू एंड कश्मीर और उधर क्या हो गया लद्दाख। तो पहले जम्मू कश्मीर का देखते हैं, देखिए जम्मू कश्मीर का ये दर्रा, ये यहाँ पे, ये देखिए ऐसे करके इसलिए बना है ताकि बीच में रास्ता दिख रहा है ना, रास्ता पुलिया टाइप बना है ना, तो ये हो गया रास्ता जम्मू कश्मीर के सबसे उत्तरी में, ये क्या है, बुर्जिल दर्रा, ठीक है। उसके बाद जरा देखिए पीर पांचाल दर्रा, ठीक है, उसी के नीचे देखिए बनिहाल दर्रा, और यहां पे देखिए क्या है, जोजीरा दर्रा, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है। वहीं पर अगर हम बात करें, वहीं पर अगर बात करें हम लद्दाख की, तो देखिए ऊपर वाला क्षेत्र क्या हो गया भाई, लद्दाख हो गया। अब इसकी बात करें तो सबसे पहले बाउंड्री की बात करते हैं, जहां से चाइना आता है, जो पीले पीले कलर का ना चाइना है, देखिए यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, मिंटका पास, मिंटका दर्रा, फिर ये किसको जोड़ता है, लद्दाख और चाइना को। यहां पे क्या है, पार्पिक पास यानी पार्पिक दर्रा, ये भी चाइना को जोड़ता है। उसके बाद क्या है, खुंजे राव दर्रा, खुंजे राव दर्रा, ये भी किसको जोड़ता है, चीन को। इसके बाद अघील दर्रा, देखिए अघील दर्रा, अघील दर्रा लद्दाख और किसको जोड़ रहा है, ठीक है, आपको बता दें अघील के बारे में कई बार एग्जाम में आया हुआ, अघील दर्रा किसको जोड़ रहा है भाई, लद्दाख और चाइना को। उसके बाद देखिए क्या है, काराताग्ला, काराताग्ला दर्रा, ये भी किसको, काराकोरम श्रेणी लद्दाख को और किसको जोड़ रहा है, लद्दाख को और किसको जोड़ रहा है, ये बता जरा बताइए, चाइना को। उसके बाद जरा देखिए यहां पर तिब्बत से देखिए जरा लनकला क्या है भाई, लनकला, ये लनकला दर्रा किसको जोड़ रहा है, लद्दाख और किसको, तिब्बत को। फिर उसके बाद देखिए यहां पर नीचे ये कौन सा दर्रा है, चांगला दर्रा, ये चांगला दर्रा किसको जोड़ रहा है, लद्दाख और किसको, तिब्बत को। और उसके बाद देखिए ये दर्रा इमिसला, इमिसला ये दर्रा भी किसको जोड़ रहा है, तिब्बत और लद्दाख को। और बीच में देखेंगे यहां पर ये देखिए कौन सा है भाई, ये पेंसिला दर्रा है, ये कौन सा दर्रा है, पेंसिला, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है, ठीक है। एक दर्रा इधर है जो बाउंड्री में स्थित है, जोजीरा दर्रा, और ये दर्रा भी लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जोड़ता है। तो कुल मिलाकर इतने दर्रे हमारे जम्मू कश्मीर में है। मैप सहित आपको पहचानना है कौन सा दर्रा कहां का। एक बार फिर आपका रिवीजन कराया जाता है, जम्मू कश्मीर के दर्रे की बात करें तो देखिए बुर्जिल दर्रा, जोजीरा दर्रा, पीर पांचाल दर्रा, पनिहाल दर्रा, क्लियर है। लद्दाख के दर्रे की बात करूं तो देखिए मिंटका दर्रा, पार्पिक दर्रा और खुंजरा दर्रा, अघील दर्रा, और ये क्या है, कारताग्ला दर्रा, लनकला दर्रा, पेंसिला दर्रा, ये इधर जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ता है, चांगला दर्रा, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर और किसको जोड़ रहा है, जम्मू कश्मीर और किसको जोड़ रहा है, इधर तिब्बत को, इमिसला दर्रा जो लद्दाख और तिब्बत को जोड़ रहा है। और ये पूरे का पूरा क्षेत्र भैया पर्वतों वाला क्षेत्र है, पर्वत ऊंचे से ऊंचे पर्वत है, मैदानी क्षेत्र देखने को नहीं मिलेगा, बर्फीला क्षेत्र है, कई ग्लेशियर भी यहाँ पाए जाते हैं, और यही है हिमालय क्षेत्र। और यहां से जो रास्ते बने हैं वो एक जगह से दूसरी जगह को रोकता है, जोड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके अब सभी दर्रों को पढ़ते हैं एक एक करके। काराकोरम दर्रा कहां पे है भाई, ये लद्दाख में। अब कौन सी पर्वत श्रेणी में, काराकोरम पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी में काराकोरम दर्रा, ठीक है। जरा देखिए काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है, कहां पे स्थित है भाई, ये लद्दाख में। अब काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, तो आपको ये भी एक माइंड में उठाना है, हो सकता है आपके एग्जाम में ये ना पूछे कि भाई दर्रा कौन सा है, ये पूछ ले कि भैया सबसे ऊंचा वाला दर्रा कहां पे है, सबसे ऊंचाई वाला दर्रा कहां पे है, लद्दाख में, नाम क्या है उसका, काराकोरम। श्रेणी पूछ रहे तो क्या बोलोगे, काराकोरम श्रेणी, ठीक है।
अच्छा कितनी ऊंचाई में, इसकी ऊंचाई 5624 मीटर, 5624 मीटर। काराकोरम दर्रा से चीन जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है, यानी ये काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है भाई, ये भारत और चाइना को जोड़ता है उत्तर की ओर से, भारत और चाइना को, मान लो भारत नाम नहीं आया तो लद्दाख और चाइना को जोड़ता है। ठीक है, एग्जाम में कौन सा दर्रा कहां पर है, किसको जोड़ता है, ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है, स्थान किसको जोड़ता है, किन देशों को जोड़ता है, ये बहुत पूछता है। क्लियर है, आए समझ में। काराकोरम दर्रा लद्दाख में स्थित है और काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और जिसकी ऊंचाई 5624 मीटर की ऊंचाई पर है और काराकोरम दर्रा किसको जोड़ता है, ये रहा काराकोरम दर्रा। जहां पे संभव हुआ, जहां पे संभव हुआ वहां पे क्या क्या बना दिया, रोड बना दिया। क्यों? क्योंकि ये बॉर्डर वाले इलाके हैं और यहां पर हमारे भारतीय सेना को ड्यूटी देनी पड़ती है, यहां हमारे भारतीय सेना को ड्यूटी देनी पड़ती है ताकि जो विदेश है, चाइना जैसे देश है और ये हम पे आक्रमण न कर दे, इनकी सेना हमारे देश में ना जाए, इसलिए यहां पे ड्यूटी देनी पड़ती है। तो आपको बता दें जो भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहां पर भवन निर्माण, रोड का निर्माण और ब्रिजों का निर्माण, पुल का निर्माण ये कराती है कौन सा संगठन, BRO। कौन सा संगठन? BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो हमारे भारत के हिमालय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, वहां पर कौन सा संगठन रोड या कंस्ट्रक्शन या पुल या भवन का निर्माण कराता है, तो वो है क्या भैया, BRO। अब BRO का फुल फॉर्म होता है क्या, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। इसमें आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय में आता है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है ये BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इतना आप लोगों को पता होना चाहिए, क्लियर है। चलिए अब देखो काराकोरम जो दर्रा है वो इस प्रकार का है और ये 12 महीने ऐसे रहता है क्योंकि ऊंचाई क्या है, ज्यादा। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब ऊंचाई ज्यादा होती है तो तापमान में क्या होती है, कमी होती है, तापमान में कमी होगी तो वहां की जो वाष्प होगी वो क्या बन जाएगी, बर्फ। तो देखिए ये 12 महीने ऐसे यहां पर बर्फ छाई रहती है और कभी बर्फ कम गिरी तो रास्ता देखने को मिलता है और इन्हीं रास्ते से हमारी इंडियन आर्मी की गाड़ियां जाती हैं, जवान जाते हैं और इन्हीं रास्तों में ड्यूटी देते हैं। तो कुछ ऐसा दिखता है काराकोरम दर्रा। आगे बढ़ते हैं और एक एक दर्रा पढ़ते हैं। जोजिला दर्रा, कौन सा दर्रा, जोजिला दर्रा कहां पे स्थित है भाई, जम्मू कश्मीर। जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और इसकी जो श्रेणी आती है वो कौन सी श्रेणी आती है, जास्कर श्रेणी। और जोजिला दर्रे से ही श्रीनगर लेह राजमार्ग है, यानी ये किसको जोड़ता है भाई, ये जोड़ता है किसको, श्रीनगर और किसको जोड़ता है, लेह, यानी आप बोल सकते हो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आप क्या बोल सकते हो भाई, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बोल सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और श्रीनगर टू लेह को जोड़ता है। आगे देखिए पीर पांचाल दर्रा, पीर पांचाल श्रेणी में और ये भी जम्मू कश्मीर में है। पीर पांचाल दर्रा पीर पांचाल श्रेणी में ही स्थित है और यह जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। कहां पर, जम्मू और कश्मीर। देखो बार बार नाम आ रहा है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश, भूलना नहीं है आपको। क्लियर है, बहुत बढ़िया। आगे क्या है, बनिहाल दर्रा, क्या है भाई, बनिहाल दर्रा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसी दर्रे में बनी है जवाहर सुरंग, क्या बनी है भाई, जवाहर सुरंग। ठीक है, पूछ लेता है कौन से दर्रे में जवाहर सुरंग बनी है, उत्तर होगा बनिहाल दर्रा। अब बनिहाल दर्रा कहां पे है भाई, जम्मू कश्मीर। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। बनिहाल दर्रा पीर पांचाल श्रेणी में जम्मू कश्मीर में स्थित है, कहां पर, जम्मू कश्मीर में स्थित है पीर पांचाल श्रेणी में। और पीर पांचाल का दर्रा है बनिहाल दर्रा और यहां पर क्या क्या यहां पर है बताइए, बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है और जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बनिहाल दर्रा से ही गुजरता है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग कहां से गुजरता है भाई, बनिहाल दर्रे से गुजरता है। दो चीजें, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बनिहाल दर्रे से गुजरता है तथा जवाहर सुरंग इसी दर्रे में, क्या, जवाहर सुरंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाहर सुरंग कई बार एग्जाम में आएगा, ठीक है, जवाहर सुरंग इसी में स्थित है जहां से नेशनल हाईवे 1 गुजरता है। कौन सा हाईवे, नेशनल हाईवे 1। तो ये देखो कितनी
बढ़िया इंपॉर्टेंट आपको जीके जीएस मिल रहा है ऐसे। ठीक है, चलिए क्या आगे बढ़े। बुर्जिल दर्रा, आपको सुधर रहा है बुर्जिल दर्रा। जरा बुर्जिल दर्रा के बारे में देख लेते हैं। श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगिट से। और जब भी गिलगिट की बात आएगी तो क्या होगा, पीओके पाक अधिकृत कश्मीर, जहां से हमारी सिंधु नदी पाकिस्तान की ओर मुड़ती है। और गिलगिट एक नदी भी है और हमारे लिए लद्दाख का एक जिला भी। ठीक है, श्रीनगर को किससे जोड़ता है भाई, और ये बुर्जिल दर्रा है कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर। यू कहें कि भारत के को किससे जोड़ता है, मध्य एशिया। वेरी इंपॉर्टेंट, भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाला, भारत को मध्य एशिया से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है, बुर्जिल दर्रा। ठीक है, हालांकि अभी भारत सीधे तौर पर मध्य एशिया से नहीं जुड़ा है, क्योंकि भैया यहाँ पे क्या आ गया है, पीओके। अब पीओके का मतलब है पाक अधिकृत कश्मीर, यानी यहाँ पे कब्जा किसका है, यहाँ पे कब्जा किसका है, पाकिस्तान का। और यूनाइटेड नेशन बोल रहा है कि भैया पीछे हट जाओ, बोला नहीं हम नहीं हटेंगे। तो आएगा एक समय ऐसा भी आएगा कि भैया युद्ध के बल पे हमारा पीओके हमको वापस मिलेगा, और जब हमारा पीओके हमको वापस मिलेगा तो ध्यान दीजिएगा उस समय भारत की सर्वोच्च चोटी क्या होगी, K2, पीओके नहीं, गॉड वी नोस। अभी किसको मानते हैं, कंचनजंगा। ठीक है, तो चलिए बुर्जिल दर्रा के बारे में आपको पता चला, ऊंचाई में है। अब चलिए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश के, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जितने भी दर्रे थे वो आप लोगों को बता दिया गया है, और ये पीडीएफ आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। बस एक बार आप लोग गो थ्रू होइएगा, रिवीजन कीजिएगा, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। क्लियर है। अब जम्मू कश्मीर से नीचे आते हैं, हमारा राज्य है क्या, हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे देख लेते हैं। सबसे पहला दर्रा क्या, शिवकिला, और फिर उसके बाद क्या है, रोहतांग दर्रा, और क्या है, बारालाचा दर्रा। ये तो पूछता ही पूछता है। अब कल शायद एक नदी बताई थी हमने, रावी नदी, व्यास नदी, जो कहा व्यास, तो नदी व्यास कुंड से निकलती है, और रावी नदी कहां से निकलती है, रोहतांग दर्रे से। कहां से, रोहतांग। अब कल आपको बताया था कि भाई रोहतांग दर्रा कहां पे है, हिमाचल प्रदेश में है। देखिए चलिए एक एक पढ़ते हैं। शिवकिला दर्रा बहुत बार पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट है। शिवकिला दर्रा पहली बात कहां पे है, हिमाचल प्रदेश। और शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है तथा यह जास्कर श्रेणी में स्थित है। कौन सी श्रेणी भाई, जास्कर। सबसे उत्तर में कौन सी श्रेणी, काराकोरम, और फिर लद्दाख, और फिर जास्कर। जास्कर और लद्दाख के बीच में कौन सी नदी बहती है, सिंधु नदी। कौन सी नदी, सिंधु नदी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये शिवकिला दर्रा जोड़ता किसको है, शिवकिला दर्रा जोड़ता है शिमला को तिब्बत से। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला, और जोड़ता है किसको, तिब्बत को। तिब्बत की राजधानी क्या है, ल्हासा। तिब्बत की राजधानी ल्हासा। ठीक है, ओके, तो शिवकिला क्लियर हुआ। आगे रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा तो बहुत बड़ा पर्यटक स्थल है भाई, यहां पे लोग क्या करते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, रोहतांग दर्रे को देखने जाते हैं। और रोहतांग दर्रे में ऐसी कंडीशन है कि भाई अगर वहां पे आप जाओगे तो आपको सुख के सारे संसाधन उपलब्ध हैं, आपको बुलेट गाड़ी मिल जाएगी वहां पे, और पूरा सामान मिल जाएगा वहां पे, खाने पीने की चीजें मिल जाएगी, और जाइए पर्वतों में कैंपिंग करके आइए, देख के आइए, ऐसी व्यवस्था वहां पे उपलब्ध है। लेकिन हाँ, थोड़ा पैसा भी लगेगा, इसका फ्री में नहीं है। ठीक है, कि भाई तुम सोचो कि प्रधानमंत्री रोहतांग दर्रा घूमो योजना, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहां पे भाई, हिमाचल प्रदेश में। और रोहतांग दर्रा पीर पांजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है, किसके अंदर, पीर पांजाल श्रेणी के अंतर्गत आता है। यहां से नदी निकलती है, कौन सी, रावी। कौन सी नदी निकलती है, रावी। और रोहतांग दर्रे के बारे में महत्वपूर्ण याद यह रखना है कि यहां पर हाल ही में क्या बनाई है, अटल सुरंग बनाई गई है। अटल सुरंग, देखो एक और सुरंग आ गई है ना, अटल सुरंग। पनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग, और रोहतांग दर्रे में अटल सुरंग बनाई गई है। क्लियर है, क्या उद्घाटन किया गया, थोड़ा सा यही इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी यही तो पूछा जाता है एग्जाम में, जीके जीएस सही होता है, आपको पढ़ते ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या आता है, बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा, बारालाचा दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है। कहां पे, जास्कर श्रेणी। और कहां पे आता है भाई, हिमाचल प्रदेश। और ये हिमाचल प्रदेश के मंडी को लद्दाख से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश का
हिमाचल प्रदेश की मंडी नहीं, हिमाचल प्रदेश का एक जिला है मंडी, पर्यटक स्थल है, उसको जोड़ता है कहां से? लद्दाख। ठीक है, लद्दाख की राजधानी कहां से? लेह से। ठीक है, पॉइंट कैसे याद रखना है? वाराणसी कहां पे है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, कौन सी श्रेणी में है? जासकर श्रेणी में। किसको जोड़ता है हिमाचल के मंडी और किससे? लेह से। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां पे? पढ़े आगे। अब जरा देख लेते हैं कि भाई इसमें हिमाचल प्रदेश के दर्रे क्या हैं। वैसे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे दर्रे हैं, सबको आप याद कर सकते हो। देखिए, जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाला वाराणसी दर्रा, फिर उसी के नीचे क्या है? रोहतांग दर्रा, रावी नदी जैसे निकलती है, और इसी में जो जवाहर अटल सुरंग है, देवसा दर्रा, ये जोड़ता है किसको? लद्दाख और इसको हिमाचल प्रदेश। इसके बाद है आपका क्या? शिपकिला दर्रा। क्या भाई? शिपकिला दर्रा, जो किसको जोड़ता है? शिपकिला दर्रा हिमाचल को तिब्बत से जोड़ता है। क्लियर है? और रोहतांग दर्रा किसको जोड़ता है भाई? बताइए। लद्दाख, राजधानी लेह लद्दाख। तो देखो, वाराणसी, देवसा, रोहतांग और क्या? शिपकिला दर्रा, ये आपको देखने को मिलेंगे कहां पर? हिमाचल प्रदेश। अब जरा देखिए, जम्मू कश्मीर क्या बन गया भाई? केंद्र प्रदेश का। तो ये जम्मू कश्मीर यहां पर क्या है? ये हिमाचल प्रदेश। एग्जाम में आ गया कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य क्या है, तो हिमाचल प्रदेश को बताओगे, जम्मू कश्मीर को नहीं बताना। भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन सा है? तो क्या होगा? हिमाचल प्रदेश होगा। पहले क्या था 2019 से पहले? जम्मू कश्मीर। लेकिन अब बताओगे हिमाचल प्रदेश क्यों? क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश है ना। चले, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब जरा उत्तराखंड के देख लेते हैं। ठीक है, उत्तराखंड, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश में से निकाला गया था उत्तराखंड। कितने जिले निकाले गए थे? 13 पर्वतीय जिले निकाले गए, और उस समय उसका नाम था उत्तरांचल, और आगे चल के फिर उसका नाम बदला गया और रख दिया गया उत्तराखंड। ठीक है, आए समझ में? तो पहले वो यूपी का हिस्सा था। ओके, उत्तराखंड में प्रमुख तीन दर्रे तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, माणा दर्रा, लिपु लेख दर्रा, नीति दर्रा। ये तीनों दर्रे कहां पे हैं? उत्तराखंड। और यही तीनों दर्रे एग्जाम में अत्यधिक पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, रट के रखना है। उत्तराखंड में तीन प्रमुख दर्रे, माणा दर्रा, लिपु लेख दर्रा और क्या? नीति दर्रा। क्लियर है? ये कहां पे है? उत्तराखंड। माणा दर्रा से ही कहां जाते हैं? तीर्थ यात्रा, मान सरोवर झील के दर्शन होते हैं माणा दर्रा से। और जब भी मान सरोवर का नाम आता है तो मान सरोवर झील मतलब कौन सी नदी? सिंधु और क्या? सतलुज और क्या? ब्रह्मपुत्र। याद रखो, एसएसबी है ना, सशस्त्र सीमा बल, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, अगर तब भी याद ना हो तो ट्रिपल एस, सिंधु, सतलुज, सांपो। आए समझ में? ठीक है, तब भी याद ना हो तो देखिए, जो सांपो है ना, इंग्लिश में उसकी स्पेलिंग ऐसे होती है, ये तिब्बती शब्द है, तो टी से स्टार्ट होता है, तो एस एस टी कर दो। सांपो किससे स्टार्ट होता है? टी से। लेकिन मुझे लगता है एस एस टी ज्यादा सही रहेगा। सशस्त्र सीमा बल, सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र। कहां से निकलती है? मांस। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब चलिए उत्तराखंड के देख लेते हैं दर्रे। देखिए, जो मैं तीन नाम बताए ये तो प्रमुख है ही, और भी दर्रे हैं वहां पे जो इस्तेमाल होते हैं। देखिए, ये जो है ना इतना सा राज्य, ये है आपका उत्तराखंड यूके, इधर नेपाल है और इधर क्या है? तिब्बत, चाइना बोल सकते हो। अब देखिए, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने वाला ये पहला दर्रा मुलिंगला, क्या है? मुलिंगला। उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने वाला दूसरा मंगशाधुरा, तीसरा माना दर्रा, चौथा नीति दर्रा, और ये यहां पर है लिपु लेख। और लिपु लेख की खासियत ये है कि ये दो जगह को जोड़ता है, नेपाल को और तिब्बत को। तो आपके एग्जाम में आ सकता है कि उत्तराखंड का वह कौन दर्रा है जो दो जगह को जोड़ता है, नेपाल और तिब्बत को, तो क्या होगा? लिपु लेख। ये देखिए, क्लियर है?
एक और दर्रा है जो बीचों बीच स्थित है उत्तराखंड के, ट्रायल्स दर्रा, ट्रायल दर्रा, ठीक है। हालांकि ये एग्जाम में पूछे नहीं जाते, सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं वो माणा दर्रा, नीति दर्रा, लीपू लेक है, ठीक है। हाँ, कभी कभी अगर किस्मत खराब रही तो मुलिंग लाभ भी पूछा जा सकता है। क्या मुलिंग? ये कहां पे है सबके साथ? उत्तराखंड। अब देखिए आपको बता दें, लद्दाख के दर्रे, लद्दाख के दर्रे, उत्तराखंड के दर्रे, उधर सिक्किम के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अगर इसमें आंख मूंद के भी लगा दोगे ना कि किसमें जोड़ता है भारत और चाइना, तो 99% सही होने के चांसेस। अभी मान लो अगर शनिचर बैठा है आपकी कुंडली में, तो फिर वो 1% भी काम कर जाएगा, जा भैया गलत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं किसके भाई, सिक्किम राज्य में स्थित, ठीक है, सिक्किम राज्य में स्थित प्रमुख दर्रे, सिक्किम राज्य। बहुत बार पूछा जाता है सिक्किम का, तो भैया मैं बोलूंगा अगर कोई टैटू वाली दुकान है तो हाथ में लिखवा लो, बहुत पूछता है। दो ही दर्रे इतना ज्यादा पूछेगा, इतना ज्यादा पूछेगा, रट लो इसको, क्लियर है। देखिए सिक्किम के दो दर्रे नाथुला और क्या जलकपा, बस ये बहुत ज्यादा पूछता है, ठीक है। आईएएस तक के एग्जाम में बार बार पूछेगा, और पता है क्या, ये इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेट है कि बच्चे इसको याद नहीं कर पाते, क्योंकि लिखे ऐसे होते हैं, जैसे अब लिपू लेक था तो जलकपा से मिलता जुलता है, है ना, नीति दर्रा है तो नाथुला से मिलता जुलता है, तो बच्चे लगा देते हैं कहा उत्तराखंड। सिक्किम में दो दर्रे हैं, पहला नाथुला, नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है तथा भारत और किसको जोड़ता है, चीन को। अब बीच में सामरिक महत्व का केंद्र भी बना हुआ, पर्यटक स्थल भी है यहाँ पे, क्लियर है। कौन सा दर्रा? नाथुला। दूसरा जलकपा, जलकपा दर्रा सिक्किम में स्थित है और यह किसको जोड़ता है, भूटान। अब प्राकृतिक मार्ग प्रदान करता है भूटान और सिक्किम में आने जाने का। अब भूटान तो हमारा ऐसा देश है कि कोई बॉर्डर ही नहीं है बीच में, भूटान और भारत आवागमन आराम से कर सकते हैं, वहां घूम सकते हैं, ठीक है। तीस्ता नदी जलकपा दर्रे से ही भारत में प्रवेश करती है, तीस्ता नदी पता है ना, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक हमारा कौन सा हिमालय, नेपाल हिमालय, ठीक है। आए समझ में? तो दो दर्रे आपको याद हुए, सिक्किम के नाथुला और जलकपा, एक किसको जोड़ता है भाई, एक जोड़ता है किसको, नाथुला जोड़ता है किसको, भारत और चीन, ठीक है, और दूसरा क्या है, जलकपा, ठीक है। आए समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ पे? आओ चलो इसको मैप में देखते हैं, इसको मैप में देखते हैं। देखिए ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य क्या है भाई, सिक्किम। ये हमारा पूर्वोत्तर राज्य क्या है, पूर्वोत्तर राज्य क्या है, सिक्किम। देखिए इतना सिक्किम है, ये सिक्किम देखिए, ये इतना, एक तरफ नेपाल से लगा हुआ है, एक तरफ जो है किससे, चाइना से, और एक तरफ किससे, भूटान से, एक तरफ किससे, भूटान से। एग्जाम में आ सकता है कि भाई कौन सा देश है जो नेपाल, तो कौन सा राज्य है जो नेपाल, चाइना और भूटान से घिरा हुआ है, तो क्या है, सिक्किम। असिक्किम के दो ही दर्रे, असिक्किम के दो दर्रे कौन सा, नाथुला और जलकपा। देखिए ये रहा ऊपर नाथुला, ये रहा ऊपर नाथुला, सिक्किम और किसको जोड़ रहा है, चीन, और उसी के नीचे यहाँ पर ये कौन सा, जलकपा, जो सिक्किम और किसको जोड़ रहा है, भूटान। आए समझे? और आपको बता दें यहीं पर ही, यहीं पर ये इस पॉइंट में ये यहां पर है भाई कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा पहाड़, कंचनजंगा पहाड़ जो भारत का सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। और कंचनजंगा के तलहटी में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, उसी पहाड़ के तलहटी में। आए समझ में? नाथुला जलकपा, ठीक है, नाथु चीन जा, जलप भूटान जा, ठीक है। आए समझ में? कोई दिक्कत यहां पे? बहुत बढ़िया। बात करते हैं अब अरुणाचल प्रदेश राज्य की, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश राज्य का। अब अरुणाचल प्रदेश के जो राज्य के जो दर्रे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अरुणाचल प्रदेश सबसे पूर्वोत्तर राज्य, और अरुणाचल प्रदेश के किबिथू जो गांव है और हमारे गुजरात का जो द्वारका है उसके बीच में जो समय है वह 2 घंटे का अंतराल है। मतलब अगर गुजरात में 6 बजे सूर्योदय होता है तो 4 बजे सूर्योदय कहां हो जाता है, अरुणाचल प्रदेश में। लंबाई है ना, लंबाई दूरी है। आप ये बताइए, हम पहले उधर पूर्व में जापान है,
अभी इधर दूर हमारा क्या भारत है, तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होगा? जापान में होगा ना। अब फिर जब पृथ्वी घूमेगी भारत सेंटर में आएगा तभी तो भारत में सूर्योदय होगा। तो ऐसा फिर अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में भी कंसेप्ट है, पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है और फिर होता है लास्ट में कहा गुजरात में। तो कितने समय का अंतराल है? 2 घंटे का। एग्जाम में आता है कि गुजरात और अरुणाचल के बीच में समय का कितना अंतराल? 2 घंटे का, मतलब 2 घंटे बाद वहां गुजरात में सूर्योदय होगा। क्लियर है? आए समझे? आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश यांग याप दर्रा, और यांग याप दर्रे को ही क्या बोलते हैं? दिहांग दर्रा। यांग याप दर्रे को ही क्या बोलते हैं? दिहांग दर्रा। यांग याप को चाइना में बोला जाता है और यही दर्रा भारत में भी है, तो भारत में इसका नाम क्या है? दिहांग। और यहीं से नदी मुड़ती है, क्या नाम है उसका? ब्रह्मपुत्र नदी। SSB भूल गए क्या? ब्रह्मपुत्र नदी। और अरुणाचल प्रदेश में क्योंकि इसी दर्रे से ये बहती नदी, तो इसको बोला जाता है क्या? दिहांग नदी। ब्रह्मपुत्र नदी क्या बोला जाता है? दिहांग नदी। यांग याप दर्रा, यांग याप दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। कहां पे भैया? अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यांग याप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और यही से इसको बोला जाता है दिहांग नदी। ठीक है, यांग याप दर्रा से चीन जाने का भी मार्ग बना है, मतलब अरुणाचल प्रदेश और किसको जोड़ती है भाई? चीन को। अरुणाचल प्रदेश और किसको? चीन को। यांग याप दर्रा, समझ जाइएगा, अगर यांग याप दर्रे की बात कर रहा है तो वो दिहांग दर्रे की ही बात कर रहा है। क्लियर है? आए समझ में? दूसरा, बोमदिला दर्रा। क्या? बोमदिला दर्रा। बोमदिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और चीना चाइना की सीमा पर है। चाइना की सीमा पर, यानी किसको जोड़ता है? चाइना को। और अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से भी जोड़ता है, यानी तिब्बत की राजधानी ल्हासा भी आ सकते हैं और चाइना भी आ सकते हैं। और तिब्बत की जब बात करेंगे तो मतलब ही चाइना। क्लियर है? बोमदिला दर्रा किसको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश टू तिब्बत की राजधानी ल्हासा। 3 चीजें पता चल रही है, बोमदिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है और अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत ल्हासा को जोड़ता है और तिब्बत की राजधानी क्या है? ल्हासा। क्लियर है? चलो, एक और दर्रा है यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट, दीफू दर्रा। क्या भैया? दीफू दर्रा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि चाइना को नहीं जोड़ता, ये किसको जोड़ता है? म्यांमार। अब म्यांमार का पुराना नाम क्या है भैया? बर्मा। अब बर्मा हमारे भारत से कब अलग हुआ है? 1935 में। और यहाँ पे एक जगह है जिसका नाम क्या है? रंगून। और रंगून में मरा कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, शाह जफर लुद्दीन। क्लियर है? आए समझे? कोई दिक्कत? चलिए, दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है और भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनाता है, यानी अरुणाचल प्रदेश और किसको जोड़ता है? म्यांमार। म्यांमार का पुराना नाम क्या? बर्मा। भारत से कब अलग हुआ? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। और यहाँ पे जेल थी, जगह थी जिसका नाम है रंगून, और रंगून में हमारे बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी और उसी ने कहा था कि अपने वतन की 2 गज जमीन भी नसीब नहीं। क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। देख लीजिए मैप में पूर्वोत्तर राज्य को, जरा दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए इधर, ये पूर्व की तरफ जाएंगे तो ये हमारा जो है ये इधर, ये बीच में, ये देखिए ये जो बाउंड्री है ना, ये आसाम की है। तो ये उधर उधर क्या है हमारा? अरुणाचल प्रदेश। देखिए ये रहा बोमदिला, बोमदिला दर्रा, बोमदिला दर्रा। फिर ऊपर जाएंगे, ये रहा यांग याप दर्रा, ये देखो चाइना में जोड़ रहे हैं ना। और यही से ही क्या है हमारा? कौन सी? सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी यहां से आती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए दीफर दर्रा, और यहाँ पे क्या है? कामजोंग दर्रा, और यहाँ पे क्या है? चरक दर्रा। और यहीं पर ये दीफर दर्रा है, इसी को बोलते हैं दीफू दर्रा। क्या बोलते हैं? दीफू दर्रा, जो हमारे अरुणाचल प्रदेश से किसको जोड़ता है? क्लियर है? मैं समझ में आया। और यहीं पर हमारी कौन सी पर्वत श्रृंखला है? अराकान योमा। क्या है? अराकान योमा, जो हमारे भारत और इधर म्यांमार को सीमा रेखा बनाती है। क्लियर है? आए समझ में? बहुत बढ़िया। चलिए, बाकी अब हमारे जो दर्रे हैं वो दक्षिण भारत के हैं। दक्षिण भारत के दर्रे का भी एक स्पेशल ले लेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे और उसमें मैपिंग भी होते हैं। ठीक है,